हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोग डाइपोल के कारण जो टॉर्क कैलकुलेट हो रहा था वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। ठीक इस क्लास में जो इससे रिलेटेड हमारे पास अब बस एक टॉपिक आपका और बच जाता है, वो है क्या, पोटेंशियल। ठीक, और इससे रिलेटेड जो टॉपिक है उस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बचता है, उस टॉपिक का नाम क्या है। ठीक, तो उस टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी of a dipole placed in electric field। ठीक है, मतलब अगर किसी डाइपोल को सपोज करिए उसको कहाँ रख दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हम लोग इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सपोज करिए कि ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, ये फील्ड होना चाहिए एकदम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म के केस में बोर्ड लेवल पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब सपोज करिए कि इसमें जो है हम लोग क्या काम करते हैं कि एक डाइपोल को प्लेस करते हैं, क्लियर है, एक डाइपोल जिसमें प्लस चार्ज यहाँ पे है, माइनस चार्ज यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, डाइपोल का एक्स। ये आपको पहले भी टॉर्क में पढ़ाया गया होगा, पी क्रॉस ई, जो प्रीवियस लेक्चर थे हम लोग उसमें पढ़े थे। ठीक, और ये जो एंगल है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए ध्यान से, ये है थीटा। डाइपोल एक्सिस किधर होगा, इधर इस डायरेक्शन में, ये होगा कौन सा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और ये किसका है। ठीक, तो जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब पी और ई के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। पी और ई के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। अब हम लोग को निकालना है क्या चीज, वर्क डन, क्या चीज निकालना है, वर्क डन। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले, तो किस तरीके का वर्क डन निकालेंगे हम लोग वो पहले सोचिए। तो यहाँ पर जब टॉर्क आपको कैलकुलेट किया गया था तो बोला गया था कि देखिए यहाँ पे जो फोर्स है वो इधर लग रहा है, क्यू ई के इक्विवेलेंट। ठीक, और इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, क्योंकि निगेटिव चार्ज पे किधर लगता है, फील्ड का अपोजिट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर लग रहा है क्यू ई, और यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर भी क्यू ही लग रहा है। डायरेक्शन को रहता है, मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग बात करते हैं, एक तो इधर है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और एक क्या, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और जो डिस्टेंस था, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना था अपने पास, डी। ये डिस्टेंस कितना था आपके पास, डी था। कितना था डिस्टेंस, डी। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग फिर से हम रिवाइज करवा रहे हैं, और आप देख लीजिए उस चीज को, क्योंकि टॉर्क का डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, ये टोटल कितना आपके पास, डी है। तो टॉर्क का डायरेक्शन, तो सोचिए कहाँ से कैलकुलेट करना हम लोग को, यहाँ से। तो टॉर्क क्या रहा था आपका, पी क्रॉस ई, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, पी क्रॉस ई। तो देखिए कि पी किधर होगा, तो पी तो होगा निगेटिव से इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नीचे। तो राइट हैंड थंब रूल का हम लोग यूज करेंगे, तो पी, देखिए ध्यान से, पी इस डायरेक्शन में, और क्रॉस ई, तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर आ रहा है, नीचे। पी क्रॉस ई, देखिए ध्यान से, मेरा ये वाला जो पोर्शन है ये किसके डायरेक्शन में जा रहा है, पी के डायरेक्शन में, तो पी अक्रॉस नीचे की तरफ ई। तो थंब किधर जा रहा है, डाउनवर्ड, मतलब इस बोर्ड के प्लेन के अंदर। ठीक, तो टॉर्क डायरेक्शन किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ, किसके तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ। अब आपको क्या काम करना है कि इस डाइपोल को किसी डी थीटा एंगल पर रोटेट कर देना है, लेकिन उसमें कुछ क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है, कि जिस डायरेक्शन में टॉर्क है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर है, जिस डायरेक्शन में टॉर्क है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो सोचिए, आप पढ़े होंगे सर्कुलर मोशन में आपको बताया गया होगा, सपोज करिए कि यहाँ पे है ऐसे कोई भी पार्टिकल, सपोज करिए यहाँ से अगर इधर जा रहा है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ ना होगा, सपोज करिए यहाँ से यहाँ चला गया, तो इसको मान लीजिए कि डी थीटा एंगल है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो जिधर पार्टिकल मूव करा उधर मूव करिए, थंब जो होगा डायरेक्शन देगा, मतलब कि इस पूरे टॉर्क को हम लोग इस पोजीशन से ऐसे अगर घुमा दें, ठीक, तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने हाथ घुमाएंगे तो थंब किधर आ गया, बाहर। टॉर्क मेरा किधर है, अंदर। तो क्या टॉर्क के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो गया, ठीक, तो आपको यही काम करना है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं इस स्टेटमेंट को, जो कि यहाँ इस प्रस्पेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, कि व्हेन वी डिस्प्लेस
बाई एन एंगल, और कैसा एंगल होना चाहिए, स्मॉल एंगल, बाई एन स्मॉल एंगल डी थीटा, कितने एंगल से, बाई एन स्मॉल एंगल डी थीटा, व्हेन वी डिस्प्लेस बाई एन स्मॉल एंगल डी थीटा, डी थीटा, ठीक है, ये डिस्प्लेस कर दिया गया इतना, इसमें डायरेक्शन भी लिख ही देते हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, टू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है, टॉर्क के डायरेक्शन से अपोजिट। तो होगा क्या कि जैसे आप इसको यहां से डी थीटा इधर डिस्प्लेस करिएगा तो क्या होगा कि आपको इस पे क्या लगेगा, एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, और ये इसको वापस लाना चाहेगा, क्या करना चाहेगा, वापस लाना चाहेगा, ठीक है। इसका हम छोटा सा एक एग्जांपल आपको देते हैं, कभी आप डॉक्टर्स के चेंबर में गए होंगे, ठीक है, कभी आप डॉक्टर्स के चेंबर में गए होंगे एक्चुअली में, तो होता क्या है कि उसमें वो गेट में स्प्रिंग लगा हुआ होता है, ठीक है, और उसको आप पुश करके धकेलते हैं, खोलते हैं और छोड़ दीजिए, आपका ऐसा नहीं, जैसे हम लोग यहाँ जो नॉर्मली गेट होता है, ठीक, या आपके किसी की घर में भी हो सकता है ये चीज़, तो जब हम उस गेट को ऐसे खींचते हैं और खींच के छोड़ देते हैं तो वो अपने आप क्या हो जाता है, वहाँ पे चला जाता है। आप जब उसको खींचते हैं तो ऐसा नहीं कि जहाँ पे खींच के ला के छोड़ दिए वहीं पे हो गया, वो कहाँ चला जाता है, वापस फिर से अपने जगह पे चला जाता है। तो क्या लगता है उस पे, रीस्टोरिंग टॉर्क, जो उसको फिर से उसी जगह पे लाने का क्या करता है, कोशिश करता है। तो एक्चुअली में हम लोग यहाँ से देखेंगे कि कितना वर्क डन हुआ, ठीक, तो टॉर्क के कारण जो हम लोग ने वर्क डन पढ़ा था, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कितना पढ़ा, टॉ डी थीटा, कितना पढ़ा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ तो टॉर्क और डी थीटा दोनों के बीच में क्या है, जैसे आप पढ़े होंगे एफ डॉट डी एस, वहाँ पे फोर्स के केस में जब हम लोग वर्क डन पढ़ते हैं तो एफ डॉट डी एस, तो फोर्स के जगह पर आपको पता हो इक्विवेलेंट आता है टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट के जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना जगह टी डी थीटा, मतलब वर्क डन बाय टॉर्क, आप जैसे इसको इधर डिस्प्लेस किए टॉर्क इसको वापस इधर लाना चाहे तो कितना वर्क डन उसको करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख लिए, टॉ डी थीटा। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस ऑफ टॉ डी थीटा, क्यों, इसलिए क्योंकि एंगल बिटवीन टॉर्क, यहां से लिख सकते हैं हम लोग क्या जी, एंगल बिटवीन टॉर्क एंड डी थीटा इज अपोजिट, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कैसा, अपोजिट है, तो यहां से क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। देखिए ध्यान से, ये हो गया आपके पास। अब हम लोग ये चीज पहले से जानते हैं, क्या क्या चीज जानते हैं, देखिए ध्यान से, कि डी यू इज इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ डी, ये चीज हम लोग पहले से जानते हैं, बहुत बार अभी तक आ चुका है ये। तो अगर हम लोग यहां से लिखना चाहें डी यू इज इक्वल्स टू, तो एक माइनस साइन विथ पूरा का पूरा ये चीज पुट कर दीजिए, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस टॉ डी थीटा, क्लियर है, ये हो गया यहां से है। अब देखिए आप पढ़े हैं पहले से ये चीज, क्या चीज, कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, टॉर्क क्या होता है, पी क्रॉस ई, तो क्या लिख सकते हैं यहां से टॉर्क का फॉर्मूला, देखिए ध्यान से, पी क्रॉस ई, तो पी ई साइन थीटा, ठीक, और यहां से क्या लिख सकते हैं, डी थीटा, और ये क्या हो गया आपके पास, डी यू, बस हो गया, कैलकुलेट हो गया आपका, ठीक है, क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया, क्लियर है। अब यहां से इंटीग्रेशन ऑफ डी यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा डी थीटा का फंक्शन आ गया, ठीक, पी ई क्या है आपके पास, कांस्टेंट, तो पी ई को क्या कर लीजिए, आप बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन कितना लिख दीजिए यहां से, साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया डी यू, देखिए ध्यान से, ये तो हो गया आपका एकदम इंटीग्रल फॉर्म, ठीक, जिसमें आपको कहीं से भी कहीं आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें अब कुछ कंडीशन लगाया गया, क्या लगाया गया, कुछ कंडीशन, कि आपको किसी खास एंगल से किसी खास एंगल पे, मतलब कंडीशन क्या लगाया गया, ध्यान से देखिएगा, जैसे सपोज करिए आप इसको लिख लीजिए, हम इसको रब करते हैं, ठीक है, सपोज करिए कि टॉर्क पहले कहाँ था, इनिशियली कहाँ था टॉर्क, थीटा वन पे, सपोज करिए थीटा वन पे था, और ये कितना डिग्री पे था, 90 डिग्री, मतलब ये जो था थीटा ये कितना था, 90 डिग्री पे था, ठीक, और थीटा टू कितना था, कोई भी एंगल थीटा हो सकता है, सपोज करिए जैसे 90 डिग्री से हमको इसको घुमा के कहाँ लाना हो, ये हम लोग किसके कारण निकाल रहे हैं, वर्क ड्यू टू टॉर्क, तो 90 डिग्री पे था, इसको टॉर्क वापस ला रहा है, तो सपोज करिए कि 45 डिग्री तक ले आया, तो कोई भी अननोन एंगल होगा थीटा, मतलब 90 डिग्री शुरू में कहाँ था और यहाँ से थीटा, तो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इसको, कहाँ से कहाँ तक,
तो इनिशियल से फाइनल तक तो इनिशियली कहाँ था, 90 डिग्री पे और थीटा पे, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे इंटीग्रेशन, ठीक, कहाँ से कहाँ तक, 90 डिग्री टू थीटा, ठीक है। तो आप सोच के देखिए क्या हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या चीज़, डी यू इज इक्वल्स टू पी ई, तो हो जाएगा आपके पास इधर। अब देखिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट कर देंगे, 90 से लेकर कहाँ तक, थीटा तक। अब क्या आप पुट करेंगे अपर लिमिट, तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, डी यू इज इक्वल्स टू, अच्छा डी यू को अब हम लोग यू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, अब डी यू कितना हो जाएगा, यू पी ई, देखिए ध्यान से पी ई, और अपर लिमिट तो माइनस ऑफ कॉस थीटा, अपर लिमिट पुट कर दिए, माइनस ऑफ कॉस 90 डिग्री, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए ध्यान से, ये टर्म तो पूरा का पूरा हो गया जीरो, कॉस 90 के वाले जीरो होता था, कितना बच गया ये पी ई, ये माइनस, तो माइनस एन इधर लगा देते हैं, कॉस थीटा, ये आ गया यू का वैल्यू। लेकिन आप देखिए पी डाइपोल मोमेंट, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो आपको पता होगा कि अगर हम लोग कहीं पे लिखा गया है ए बी कॉस थीटा, और ए और बी दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा गया है। तो इस पूरे टर्म को अगर हम लोग लिखना चाहते हैं क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर, सॉरी वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, यही हो जाएगा क्या चीज, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आप इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये किसी खास एंगल के लिए बनाया गया है, मतलब 90 डिग्री से इसको कहाँ पे लाया गया है, थीटा एंगल पे। और यहाँ पे ये कन्फ्यूज मत करिए कि सर ई डॉट पी होगा कि नहीं, क्योंकि आपको अगर वेक्टर का प्रॉपर्टी याद होगा तो पता होगा कि वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट ए, ये दोनों होता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम लोग ये चीज़ देखें तो ये चीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत करिएगा कि जैसे टॉर्क के कैलकुलेशन में आपको बताए थे हम, ठीक, कि पी क्रॉस ई होगा या ई क्रॉस पी होगा, तो पहले तो जो टॉर्क का जो ओरिजिनल डेफिनेशन है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग टॉर्क का डायरेक्शन निकालिए, और फिर हम लोग जो है जो फॉर्मूला है उसको हम अपने तरीके से क्या कर लिए, सब्स्टिट्यूट कर लिए, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब हम लोग जो है एक जनरलाइज फॉर्म उसका कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जनरलाइज फॉर्म कहने का क्या मतलब है कि अभी जो हमने कैलकुलेट किया उसमें हमने ये फिक्स कर दिया कि डाइपोल जो था आपका, उसका जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन था वो पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड कितना परपेंडिकुलर था, मतलब 90 डिग्री, और तब जाकर किसी एंगल थीटा पे आ रहा है। हम लोग जनरलाइज क्या कर रहे हैं, सपोज करिए हमारे पास क्या था, रीजन डी यू इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा डी थीटा, क्लियर है, डी यू इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। सपोज करिए इसको हम लोग इंटीग्रेट कर, लेकिन इंटीग्रेट करते कहां से, थीटा वन, कोई भी एंगल हो सकता है थीटा वन, ठीक है, थीटा वन से कहां तक, थीटा, या थीटा इनिशियल लिख देते हैं सबसे अच्छा, और यहां लिख देते थीटा फाइनल। तो क्या हो जाएगा, ऐसे डी यू के इंटीग्रेशन डी हो जाएगा, देखिए पी ये तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा आपके पास, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कितना माइनस कॉस थीटा, अब माइनस कॉस थीटा में क्या पुट कर देंगे, तो माइनस कॉस थीटा, ठीक, मैं कहां से कहां लेकर पुट कर देंगे, थीटा इनिशियल से लेकर कहां तक, थीटा फाइनल तक। तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए यहां से पी माइनस ऑफ कॉस थीटा फाइनल, माइनस एक और माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा इनिशियल, ये आपके पास क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन पी, देखिए कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल, ये हो गया आपके पास क्या, मतलब थीटा वन से लेके और थीटा टू तक आपको अगर इसको घुमा दिया गया, और किस चीज को, डाइपोल को, ठीक, तो कितना वर्क डन होगा ड्यू टू टॉर्क, एक्चुअली वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, टॉर्क जो वर्क करता है रोटेट करने का, वही क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, जमा होता है। तो किसी किसी एंगल के लिए अलग हो सकता है, इस चीज को आप देखिए, ठीक है। इसी से रिलेटेड हम लोग जो है एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आपके पास है, टू पॉइंट चार्ज इतना इतना सेपरेटेड फ्रॉम, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, हमारे इसमें एक्सप्रेशन क्या है, ठीक, टू पॉइंट चार्ज है, टू, या इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। बोला गया कि टू पॉइंट चार्ज 3.2 इंटू 10 टू, सपोज करें एक यहाँ पे पॉइंट चार्ज, ठीक है, 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है, और एक दूसरा है इतना ही मैग्नीट्यूड का चार्ज है, ठीक, आपको बताया गया टॉर्क में इसी तरह डाइपोल के केस में से हम लोग लिखते हैं
माइनस उसमें बस लगा हुआ 3.2 × 10−19 कूलम। जो सेपरेट किया गया दोनों को उसको सेपरेशन डिस्टेंस जो है 2.4 × 10−19 कूलम। ठीक, और सॉरी 10 मीटर, सॉरी। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि द डाइपोल इज सिचुएटेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 4 × 10। जिस फील्ड में इसको रखा गया है उस फील्ड में इंटेंसिटी कितना है, तो 4 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। एक डाइपोल है उसका Q1 Q2 का वैल्यू आपको दिया गया 3.2 × 10−19 कूलम। ठीक है, 3.2 × 10−19 कूलम। और क्या दिया हुआ है कि एक जो दूसरा चार्ज है उसका वो कितना है, −3.2 × 10−19 कूलम। ये केस। अब इसमें बोला गया है कि जिस डाइपोल को रखा गया है जहां पे जिस फील्ड में, उस फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैलकुलेट द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाई 180 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि आपको रोटेट करना है किस चीज को, डाइपोल को, कितना डिग्री से, 180 डिग्री से। कौन से डिग्री से, 180 डिग्री से, मतलब 180 डिग्री से इसको जिस पे था उससे 180 डिग्री पे ले जाना है। क्लियर है, 180 डिग्री पे ले जाना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखिए ध्यान से, कि ये जो है केस हमारे पास U=P cos θ−, तो एक तो था कि 90 डिग्री से किसी एंगल थीटा पे ले जाना आपको। इस केस में क्या करना है आपको, तो एक और इसका जनरलाइज फॉर्म है वो भी हम लिख देते हैं, और उसके बाद तीनों फॉर्मेट आपके पास होगा। ठीक, इसमें सपोज करिए कि थीटा वन जो था, मतलब जो थीटा इनिशियल है उसको कितना कर देते हैं, 0, और थीटा जो फाइनल है उसको, वो थीटा है। एक तो था कि 90 से किसी एंगल थीटा पे लेके आना है, अब क्या है कि किसी 0 डिग्री से अगर लेके जाना है, तो अगर 0 डिग्री से हम लोग लेके जाए तो देखिए कि ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास एक्सप्रेशन हो जाएगा U=PE, और वहां से क्या हो जाएगा, cos 0 − cos θ। तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास, PE 1 − cos θ। तो अगर आपको एक चीज याद रहेगा, ठीक, तो आप उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी जनरलाइज रिजल्ट आएगा आप निकाल सकते हैं। यहां से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो P = क्या लिखते हैं हम लोग, Q × D। P का वैल्यू क्या होगा, Q × D ही होगा। तो Q अगर हम लोग लिखे तो यहां पर कितना है, तो लिख दीजिए हम लोग Q·dE 1 − cos θ। ठीक है, ध्यान से, तो देखिए यहां से Q का वैल्यू कितना है, तो 3.2 इंटू कितना है, 10⁻¹⁹ कूलम। इंटू डी देख लीजिए कितना है, 2.4 × 10⁻¹⁰ मीटर। ठीक है, क्यू डी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिए, 4 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। क्लियर है, अब क्या बचता है, 1 − cos θ, तो ये तो 1 है, −cos θ है। तो थीटा कितना बोला है, कि बाई एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, कितना, 180 डिग्री से। तो cos 180 पुट कर दीजिए कितना मिलेगा, −1। ठीक है, cos 180 का वैल्यू कितना हो जाएगा, −1, तो −1 ये कितना हो जाएगा, प्लस। तो डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से × 2 कर देते हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद जो आपके पास, आपके कोरस्पॉन्डिंग जो आपका आंसर आने वाला है वो कितना वाला, 61.44 × 10⁻²⁴ जूल। ये कैलकुलेशन, इसको बस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसमें जो मुझे बताना था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक, कि आपको कैसे फॉर्मूला को यूज करना है। तो आपको वो दे दिया जाएगा कि थीटा से आपको यूज किया गया। अब आप पूछिएगा कि सर कैसे पता चलेगा कि कब 90 से ले गया गया है या 0 डिग्री से मूव करा, कि तो आपको उस क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर कुछ नहीं मेंशन है तब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद करना है। ध्यान से सुनिए, अगर कुछ नहीं मेंशन है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला, मतलब जिसमें 0 डिग्री से कहाँ पर ले गया, किसी एंगल थीटा पर ले गया है। ठीक है, 0 डिग्री से आपको मूव करवा के कहाँ ले गया हो, किसी एंगल थीटा पर। ठीक, तो किसी भी एंगल थीटा पर अगर आपको ले गया हो 0 डिग्री से उसको रोटेट करवा के, तो आपको इस केस में होगा। 90 डिग्री का अगर केस होगा तो लिख देगा वहाँ पे कि स्टॉक को जो है 90 डिग्री से रोटेट करवा के किसी एंगल थीटा पे ले जाया जा रहा है, या फिर उसको अगर सपोज करिए 45 डिग्री से 60 डिग्री पे ले जाना होगा। ठीक, तब वो लिखेगा कि शुरू में ये 45 डिग्री पे था, 45 डिग्री से रोटेट करके 60 डिग्री पे ले जाना होगा, तब कितना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा। तो आप थीटा 1 = 45 और थीटा 2 सॉरी फाइनल
थीटा इनिशियल 45 और थीटा फाइनल क्या कर दीजिएगा 60 पुट कर दीजिएगा। जैसे पुट करेगा आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग रब करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब इसमें जो अब हमारे पास जो बचता है, एक्चुअली में ऐसे टॉपिक हमारे पास अब कोई नहीं बचा हुआ है इस चीज़ में, अब हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स वगैरह पोटेंशियल है बचा हुआ। ठीक, तो पोटेंशियल के बचे होने से पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन पढ़ लिया है पहले ही। ठीक है, और उसी से रिलेटेड जो हम लोग कुछ क्वेश्चन अभी करेंगे, उसके बाद हम लोग फ्लक्स पे जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या। ठीक है, अभी जो भी फ्लक्स से रिलेटेड बातें होंगी या उससे पहले जो पोटेंशियल का केस है, हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने उससे रिलेटेड क्या क्या पढ़ लिया था। ठीक है, देखिए, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग पोटेंशियल पढ़ा था कि V इजिकल्स टू क्या होता है, के क्यू अपन आर, और क्यू प्लस माइनस भी पुट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो आया हमारे पास वो आया के क्यू वन क्यू टू बाई आर, कि दो चार्ज है, सेपरेशन है दोनों के बीच का आर, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, आर होगा। फिर आपने यहाँ से पढ़ा होगा कि डी यू अपॉन क्यू इजिकल्स टू क्या था, डी वी, या डी यू इजिकल्स टू क्या था आपके पास, क्यू डी वी। ठीक, या आप यहाँ से लिख सकते हैं यू टू माइनस यू वन इजिकल्स टू क्यू वी टू माइनस वी एन, ये भी था आपके पास एक फॉर्मूला। इसका तो बहुत ही ज़्यादा यूज हम लोग अभी स्पेशली इस पर डिस्कस करेंगे। इसका फील्ड के साथ भी रिलेशन था, क्या चीज़ था कि डी वी अपॉन डी आर इजिकल्स टू माइनस ऑफ ई, ये तो हम लोग डायरेक्ट पढ़ गए थे। अभी इसके बारे में भी हम लोग आज हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि इसको इसका एप्लीकेशन कैसे है। इस पर जो बेसिक क्वेश्चन था वो करवा दिया गया था। पोटेंशियल जब अलग अलग कार्टिजियन प्लेन में हम लोग इस फॉर्मूला को स्पेशली देखेंगे, तो फॉर्मूला तो हम लोग अपने आप डिस्कस करते चलेंगे, लेकिन हम लोग स्पेशली इस चीज़ को देखते हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। ठीक है, देखते जाइएगा कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। आपके पास एम करीम होगा तो आप एम करीम के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, और एम करीम में भी क्वेश्चन दिया गया है, दो तीन है इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक, हम लोग इस क्वेश्चन को पहले जनरलाइज कर लेते हैं कि हमको किस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्पेशली अभी। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग इसको अलजेब्रिक फॉर्म में देखते हैं। आपको बस कुछ नहीं करना, जब नंबर में आएगा तो नंबर में उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सपोज करिए एक ट्रायंगल है, और कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। साइड कितना है, ये भी ए, ये भी ए, और ये भी ए। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है क्यू, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ क्या चाहिए, माइनस क्यू। ध्यान से देखिएगा, क्यू रखा हुआ, माइनस क्यू रखा हुआ है। ठीक, और पूछा आपको क्या कहा जा रहा है, इसे सुनिए ध्यान से, कि ये एक अरेंजमेंट है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ वो कितना होगा, क्यू, यहाँ पर कितना रखा हुआ, माइनस क्यू, और ये वाला कितना है, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे कितना है, ए, ये भी साइड ए, ये भी साइड ए, ये भी साइड ए। ठीक, तो बोला गया है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, देखिएगा ध्यान से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, उसको जो है उसके एक एंगल से, सॉरी, एक वर्टेक्स से, ट्रायंगल का एक वर्टेक्स से यहां से उठा के, और जो दोनों चार्ज सेपरेटेड है, ध्यान से सुनिएगा, एक वर्टेक्स से यहां से इसको उठाया गया, और उठा के कहां पर रख दिया गया, इसके मिड पॉइंट पर रख दिया गया, मिड पॉइंट पर, मतलब जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा, मतलब ये भी कितना होगा, ए बाई टू, और ये भी कितना होगा, ए बाई टू होगा। फिर से सुनिए क्या बोला गया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक, और यहाँ इस तरीके का फॉर्मेशन आपको दिया गया होगा, या लिख देगा कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड ऑन द वर्टेक्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखा गया, अ थर्ड यूनिट टेस्ट चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द चार्ज। ठीक है, मतलब जहाँ पे थर्ड चार्ज रखा उसको वहाँ से ऐसे उठाया गया, और उठा के दोनों चार्ज के मिड पॉइंट पे रख दिया गया। तो पूछ रहा है कि बताइए कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या आएगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन भी आपके पास, उसमें पूछा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, ये बिटवीन एम एंड एन, आपके पास है एम करीम का क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 397। हम लोग इसको देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन हमको क्या करना है।
आप बस ओवरऑल समझिए कि मैं किस तरीके क्वेश्चन का जनरल फॉर्म आपको बता रहा हूँ। बहुत सारा चार्ज होगा, किसी एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से डिस्प्लेस करके किसी दूसरे पॉइंट पे रख दिया जाएगा। बस सिंपली एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे डिस्प्लेस करके रख दिया जाएगा और उसमें आपको क्या क्या पूछा जा सकता है हर चीज़ हम लोग अभी कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपके पास है पॉइंट ए बी और सी। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ठीक, सबसे पहला काम करना है कि जिस पॉइंट पे पहले चार्ज था, तो चार्ज था कहाँ पे सबसे पहले, तो एट पॉइंट बी, बी पे था, बी से कहाँ गया ए पे, सॉरी डी पे जा रहा है, सपोज कर लीजिए इसको हम लोग लिख देते हैं डी, बी से कहाँ जा रहा है डी पे, तो जिस पॉइंट पे पहले था उस पॉइंट का पोटेंशियल निकालिए, ठीक। तो अगर हम लोग निकाले यहाँ से तो पोटेंशियल एट बी, तो किसके किसके कारण होगा पोटेंशियल, एक तो इसके कारण होगा मतलब वी ड्यू टू किसके कारण प्लस क्यू होगा, और क्या होगा वी ड्यू टू माइनस क्यू होगा, वी ड्यू टू क्या होगा माइनस क्यू होगा। तो इसके कारण अगर हम लोग पोटेंशियल लिखे तो कितना लिखेंगे के क्यू बाई कितना ए, ध्यान से देखते जाइएगा, प्लस इसके कारण अगर हम लोग पोटेंशियल लिखेंगे तो कितना लिखेंगे के माइनस क्यू बाई कितना ए, उप्स ये कितना आ गया जीरो। वी एट बी आपके पास कितना आ गया, देखिए ध्यान से वी एट बी कितना आ गया आपके पास जीरो आ गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको उस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है जिस पॉइंट पे फाइनली हम ले गए हैं, तो वी एट क्या कर देंगे यहाँ पे डी कर देंगे। जैसे ही डी करेंगे तो देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा, फिर निकालना वही वी ड्यू टू प्लस क्यू और प्लस वी ड्यू टू माइनस क्यू, तो क्या आ जाएगा ध्यान से देखिए, आएगा आपके पास के क्यू और डिवाइडेड बाई, सिर्फ क्या चेंज होने वाला है तो ये वाला डिस्टेंस, देखिए इसके कारण यहाँ निकाले तो ए हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लिए, इसके कारण निकाले तो ए निकाल लिए, लेकिन ये डिस्टेंस कितना ए बाई टू, यहाँ लिख दीजिए ए बाई टू और प्लस यहाँ से लिख देंगे क्या चाहिए के माइनस क्यू और ए बाई टू, भी डी भी क्या आ गया जीरो आ गया, भी बी भी कितना था आपके पास, यह भी कितना था जीरो ही था, क्लियर है। अब पूछा जाए कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इस तरीके के क्वेश्चन में, पूछ सकता है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल देंगे वी डी माइनस वी बी इज इक्वल्स टू कितना जीरो माइनस जीरो इज इक्वल्स टू बहुत बड़ा जीरो, ध्यान से देखिएगा जीरो माइनस जीरो माइनस बहुत बड़ा जीरो, क्लियर है। अब आपसे अगर पूछा जाए, सपोज करिए आप ये सोच रहे होंगे सर आप तेज हैं, आप तो अपना इजी क्वेश्चन उठा के ले आए, बना दिया हम लोग को बेवकूफ बना दिया, एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना पूछता है, ऐसा ही एग्जाम में पूछता है, ठीक है, एग्जाम में ऐसा ही पूछता है। बहुत अगर होगा तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, तो बिना इतना किए भी बन सकता है, सोच के देखिए जितना इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पे होगा उतना ही इतने इसके कारण पोटेंशियल होगा, बोर्ड में पोटेंशियल पे लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता है, ये चीज़ आप देखिए यहाँ से जो बोर्ड का क्वेश्चन हम वो भी आपको करवा देंगे, ठीक है। दूसरा कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना है जीरो, देखिए ध्यान से जिस दो पॉइंट के बीच में चार्ज को इधर उधर किया गया है उसमें चेंज इन पोटेंशियल कितना है जीरो है। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि ये किसका वैल्यू है, डेल्टा वी का वैल्यू, देख लेते हैं आपके रेंज में है या बाहर निकल गया, और ठीक है डेल्टा वी का वैल्यू कितना है जीरो। अभी आप पढ़े हैं ठीक क्या कि डेल्टा यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा वी, और डेल्टा यू इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं क्यू डेल्टा वी। देखिएगा इस फॉर्मूला को समझिए कि एक्चुअली में क्या लिख दिया गया, मतलब ये वही चार्ज है जिस चार्ज को डिस्प्लेस किया जा रहा है, कहाँ पे इतने पोटेंशियल से, कितने पोटेंशियल से इतना पोटेंशियल से, बात समझ में आ रहा है। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं q और यहाँ लिख सकते हैं v2 टू माइनस वी वन, मतलब एक चार्ज q को v1 पोटेंशियल से डिस्प्लेस करके v2 पोटेंशियल पे ले जाया जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इतना होता है, और यही तो वर्क डन होगा, जो वर्क डन होता है वही तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग चेंज इन पोटेंशियल देखे तो ये कितना है जीरो, तो डेल्टा ई बराबर कितना जाएगा देखिए ध्यान से q इंटू जीरो बराबर जीरो, मतलब वर्क डन कितना हो जाएगा जीरो, वर्क डन कितना हो जाएगा जीरो। अच्छा आप देखिए पॉइंट बी और पॉइंट डी, आप यहाँ से छोटा छोटा ये सब पॉइंट है, ये सब थर्ड पॉइंट देखिए, पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है क्या पॉइंट डी के बराबर है, क्या दोनों का पोटेंशियल क्या है सेम है, तो इसको हम लोग कैसा बोलेंगे, कैसा पॉइंट होता है ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट, कैसा पॉइंट बोलेंगे हम लोग इसको इक्वी पोटेंशियल पॉइंट,
कौन सा पॉइंट? इक्विपोटेंशियल पॉइंट। अगर चार्ज को यहां से भी उठा के यहां पर रख दिया जाता तब पर भी वर्क डन कितना आता? जीरो ही आता। क्या आता? जीरो ही आता। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट अरेंजमेंट सेम टाइप में। दूसरा, सपोज करिए कि दो चार्ज है, यहां पे क्या है Q1 और यहां पे क्या है Q2। एक चार्ज यहां पे Q1 और एक चार्ज यहां पर क्या चाहिए Q2 है। Q1 है, Q2 है, मैग्नीट्यूड दोनों का पॉजिटिव है। ठीक, और जो सेपरेशन इस दोनों के बीच में वो कितना है 2R, कितना है 2R। और क्लियर, पहले तो इतना बात समझिए आप। अब एक चार्ज को बोला जाता है हैविंग मैग्नीट्यूड Q0, एक कोई चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है Q0, उसको एकदम इस पॉइंट से जो क्रॉस वाला पॉइंट दिख रहा है, ठीक, ये भी क्या है मिड पॉइंट है, ये भी कितना होगा R और ये भी कितना है R है। ठीक है, इसको यहां से डिस्प्लेस करके और इस पॉइंट से कहीं इधर रख दिया जाता है, जिसका भी डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां कितना है R ही है। देखिए ध्यान से, ठीक है, मतलब दो चार्ज के बीच में एक Q0 चार्ज को यहां से ऐसा उठाया गया और यहां पर रख दिया गया। पॉइंट का नाम हम दे देते हैं M, ठीक, और यहां पर लिखा गया क्या N। क्लियर है, ध्यान से देखते जाइए। आपको तो पूछा जा रहा है कि बताइए, वही हर चीज बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, पहला क्वेश्चन क्या आपके पास, ठीक, कि वी एम माइनस वी एन बताइए, ठीक, कितना वर्क डन आपको करना वो बता दीजिए, एंड सो ऑन। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले कि कहाँ था, तो एट पॉइंट, देखिए ध्यान से, एट पॉइंट कहाँ था, एम पे था, पॉइंट एम पे, तो पॉइंट एम पे था तो हम पोटेंशियल निकालेंगे पॉइंट एम पे, तो इज इक्वल्स टू, इस पॉइंट पे किसके किसके कारण पोटेंशियल होगा, तो Q1 के कारण और Q2 के कारण, ठीक, तो वी ड्यू टू Q1 प्लस वी ड्यू टू Q2। तो Q1 के कारण कितना लिखेंगे, के Q1 बाई, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, आर प्लस के Q2 बाई कितना लिखते हैं हम लोग यहाँ से आर, ये क्या निकल गया वी ड्यू टू एम। दूसरा कैलकुलेट करेंगे क्या चाहिए, एट पॉइंट एन पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तो एन पे जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर भी वही कहानी है, व्यू डू टू पॉइंट एन पे हम लोग क्या लिख देंगे कि व्यू डू टू कितना प्लस Q1 और प्लस वी ड्यू टू प्लस Q2। तो देखिए ध्यान से, Q1 के कारण कितना लिखेंगे, तो अब तो हमको ये वाला आर लेना होगा ना, तो कितना ये 2R प्लस आर 3R, तो कितना हो जाएगा आपके पास के Q1 अपन 3R और प्लस इसके कारण इस साइड लिखेंगे तो ये भी तो आर ही है, कितना लिख देना लोग यहाँ से के Q2 बाई आर। क्लियर है, अब आपसे वो उसको जो पूछना है उसको पूछने दीजिए, आप बना सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, पहला क्या पूछा जा रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल निकालिए, मतलब भी चेंज इन पोटेंशियल, तो चेंज निकालना है तो बाद वाला माइनस पहले वाला, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से वी एम माइनस वी एन विच इज इक्वल्स टू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा के Q1 अपॉन 3R प्लस के Q2 अपॉन R दिस, ठीक, माइनस कितना आपके पास, देखिए ध्यान से, के Q1 अपॉन R प्लस के Q2 अपॉन R। क्लियर हो गया, अब इसको अगर आप सॉल्व कर लीजिए तो कर लीजिए, देखिए ध्यान से, यहाँ है के Q1 अपॉन 3R और यहाँ पर है के Q1 अपॉन R, तो इसको हम लोग एक एक्सप्रेशन में और लिख सकते हैं के Q1 अपॉन 3R प्लस के Q2 अपॉन R माइनस के Q1 अपॉन R, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस के Q2 अपॉन R होगा। देखिए फर्स्ट और थर्ड टर्म को, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को, इसमें कॉमन आपको कुछ दिख रहा है K बाई R, ठीक है, तो K बाई R यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो K बाई R कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा Q1 बाई थ्री और माइनस कितना Q1 बाई R, सॉरी डायरेक्ट हो जाएगा Q1, एक तो ये बच गया, फिर इस दोनों के बीच में अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा कॉमन प्लस के बाई आर, तो क्या बच जाएगा यहाँ से, देखिए ध्यान से Q2 और माइनस Q2, हाँ ठीक है, Q2 माइनस Q2 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ये टर्म तो हो गया Q2 माइनस Q2 जीरो, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा जीरो, आपके पास ये वाला कितना जाएगा, देखिए ध्यान से के बाई आर एलसीएम लीजिएगा तो Q1 माइनस 3Q1 कितना हो जाएगा, Q1 माइनस 3Q1 तो कितना हो जाएगा माइनस 2Q1, यही हो जाएगा क्या चीज, चेंज इन पोटेंशियल माइनस के बाई आर इंटू 2Q1। अब आपसे पूछा जाएगा तीसरा, सोचिए थर्ड नंबर कुछ पूछ दें, थर्ड थे या सेकेंड नंबर आपसे कुछ पूछ दें, चेंज इन पोटेंशियल निकालिए, वर्क डन कितना होगा अगर Q0 चार्ज को यहाँ से यहाँ रखा गया है, तो कुछ नहीं करना है,
डायरेक्ट क्यू नॉट को मल्टीप्लाई कर देना है डेल्टा भी से, मतलब के टू क्यू वन डिवाइडेड बाई आर। आया बात समझ में? ये हो गया क्या चीज, चेंज इन पोटेंशियल। क्लियर है? इसी तरीके से होगा, रेक्टेंगल के किसी एक वर्टेक्स से उठा के उसके डायगोनल पर रख देगा, डायगोनल से उठा के वर्टेक्स पर रख देगा, ठीक है ना। एक सर्कल होगा, एक पॉइंट से उठा के किसी दूसरे पॉइंट पर रख देगा, ठीक है ना। अलग अलग फॉर्मेट में क्या करेगा आपसे वो पूछेगा, ठीक। वो चीज़ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। दिमाग ही नहीं लगाना, ज़्यादा दिमाग लगाइएगा हो गया दिक्कत, यहाँ से छोटा छोटा क्वेश्चन में मिस्टेक होने लगे, ठीक है। क्लियर है? इसमें एक सर्कल का भी क्वेश्चन आता है, वो भी रफली देख लीजिए आप। जैसे एक सर्कल है, सपोज करिए, ठीक, और यहाँ पे रखा गया क्या चाहिए, एक क्यू नॉट, अरे यार एक क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है। सब ध्यान से देखिए, क्यू नॉट चार्ज है। अब बोला गया कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से डिस्प्लेस करके और यहाँ पर रख दिया गया, मतलब वन पॉइंट से लेकर टू पर रख दिया गया। तो देखिए, यहाँ पर किसके कारण पोटेंशियल होगा, इसके कारण होगा, और यहाँ पर किसके कारण होगा, इसके कारण होगा। तो वी ड्यू टू, अगर हम वन लिखे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, के क्यू नॉट अपन आर। वी ड्यू टू टू लिखे तो क्या लिख सकते हैं लोग यहाँ से, के क्यू नॉट अपन आर, ठीक। चेंज इन पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। ये दोनों इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, क्योंकि इससे सेमी डिस्टेंस पे, वेक्टर तो है नहीं कि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना आपको कि सर वेक्टर एडिशन करना है एंड सो ऑन, ठीक है। ये केस आपको क्या कर देख लेना है, ठीक है। चलिए अब लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास अब जो है इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। इसमें जो एक ढंग का क्वेश्चन जो बनता है अच्छा, जिसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, मतलब दिमाग तो सब क्वेश्चन में लगाना होता है, उसमें थोड़ा सा आपको डिफ्रेंसिएशन वगैरह का यूज आएगा, पार्शियल डेरिवेशन का, जो कि आप पढ़े नहीं हैं इससे पहले, या ग्रेविटेशन पढ़े होंगे तो आपको वहाँ पे पढ़ाया गया होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग उसमें यूज कैसे करेंगे, देखिए पहले तो हम बता देते हैं आपको, ब्रीफ कर देते हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन जो है पढ़े होंगे, ये वाला केस, डी वी बाई डी आर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई, ठीक है। जो पोटेंशियल का कैलकुलेशन होगा वहाँ पे आपको ये चीज़ हम बताए होंगे, ठीक है। डी वी बाई डी आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई होता है। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें दो पॉइंट है, पॉइंट वन और पॉइंट टू, ठीक। ये सपोज करिए इस पॉइंट का पोटेंशियल वी वन है और इसका कितना है, वी टू है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, मतलब वन से अगर टू पे जाएंगे, ठीक, तो वी टू माइनस जो वी वन आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि वी टू जो है वो वी वन से पहले है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड में जा रहा है, तो बाद में आने वाले पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल कम होगा। तो वी टू माइनस वी वन कर देंगे तो निगेटिव होगा, और वी वन माइनस वी टू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, पूछता है कभी कभी, ठीक, कि किधर से किधर जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा और किधर से किधर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। क्लियर है? तो अब इस केस में आपको इसमें जो है एक जनरल फॉर्म था, ये क्या था, जनरल फॉर्म था, लेकिन इससे रिलेटेड हम लोग अभी क्वेश्चन देखेंगे। आपको हम इस चीज़ का हम भरोसा दिला सकते हैं कि आप एक से दो क्वेश्चन देखिए पहले अच्छे से, ठीक, और उसके बाद आप उस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्लो और धीरे धीरे हम लोग इस पार्ट को देख रहे हैं, ठीक है। तो सपोज करिए कि आपको दे दिया गया है फंक्शन, क्या दिया गया, एक फंक्शन दिया गया है, ध्यान से देखते जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, आपको दिया गया क्या चीज़, भी इजक्ल्स टू ए ब्रैकेट में लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए हम अभी थोड़ा सा स्लो हो रहा है, सपोज करिए आपको लिख देता है एक्स इजक्ल्स टू टू टी स्क्वायर प्लस थ्री टी, पोजिशन और टाइम के बीच में रिलेशन देता है और आपको बोलता कि आप हमको निकाल के बताइए क्या चीज़, वेलोसिटी। तो आप क्या करते थे, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं यहाँ पे, फोर टी टू माइनस वन प्लस थ्री टी वन माइनस वन, ठीक। और क्या लिख देते हैं यहाँ से, और फोर टू कैरी होता है एक्चुअली, तो फोर टी और प्लस थ्री, यही क्या होता है, वेलोसिटी। एक्सीलरेशन पूछ देता था, आप क्या करते हैं, डी बाई डी टी कर देते, इज इक्वल्स टू कितना, फोर, मतलब एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी लिनियरली डिपेंड करेगा और इसका ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है। सेम काम यहाँ भी करना है, सेम काम क्या करना है आपको, यहाँ भी करना है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, आपको क्या दिया गया, v इजक्ल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है उसको आप ध्यान से सुनिएगा, पहले क्वेश्चन कहा गया कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ,
ठीक है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर। ठीक है, आपको ये पोटेंशियल का इक्वेशन दिया गया, आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। इफ द पोटेंशियल ऑफ द फील्ड, ये जिस फील्ड का पोटेंशियल है, ठीक है ना, डिपेंड्स अपॉन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, क्या कर रहा है, दोनों पे ये चीज क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पे ही ये डिपेंड कर रहा है। क्लियर है, आप फिर से सुन लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस फील्ड का, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पोटेंशियल का रिलेशन आपको दिया गया है, ठीक, वो ऐसा रीजन है जहां जिसका पोटेंशियल जो भी है वो एक्स कोऑर्डिनेट पे भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, और वाई पे, दोनों कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, क्लियर है, कि आपको फंक्शन दिया जाएगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक, कि भी जो है वो फंक्शन है किसका, एक्स कमा वाई का, मतलब पोटेंशियल भी जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे भी डिपेंड कर रहा है और y पे भी डिपेंड कर रहा है। आप ध्यान से सुनिएगा, x पे भी डिपेंड, z भी लिख सकता है, कोई मतलब, लेकिन आप दो का समझ जाए, गारंटी देते हैं आपसे बनेगा ये चीज, ठीक। तो क्या लिखा, इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम लोग जो अभी जो ये x इज इक्वल्स टू टू टी स्क्वायर प्लस थ्री टी का हम जो एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें एक्चुअली x जो था सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा था, सिर्फ एक चीज पे डिपेंड कर रहा था। ये कितने चीज पे डिपेंड कर रहा है, दो चीज पे, x कोऑर्डिनेट पे भी y कोऑर्डिनेट पे। इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग पार्शियल डेरिवेशन का यूज करते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करते हैं। अब ये क्या है एक्चुअली, देखिए ध्यान से, हमको क्या करना है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे नहीं कैलकुलेट करते हैं, पहले हम क्या काम करेंगे कि x को, देखिए ध्यान फिर से आप सुनिए इस चीज को, x और y दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या काम करेंगे कि पहले केस में मान लेंगे कि हमको भाई साहब सिर्फ x के डिपेंडेंसी पे ही निकालना है, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हम मान लेते हैं कि y क्या है, कांस्टेंट है और x पे डिपेंड कर रहा है। फिर एक बार क्या मान लेंगे कि y बदल रहा है और x क्या है, कांस्टेंट है। आप सुनिए ध्यान से, कोऑर्डिनेट जब आप पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि x एक्सिस का अगर हम लोग बात करें, x का, तो यहां पे लिखते थे कुछ भी, a कॉमा जीरो, और यहां पे अगर लिखना हो तो क्या लिखते थे, a कॉमा सॉरी जीरो कॉमा a, मतलब x पे y जीरो और y पे क्या हो जाएगा आपके पास, x जीरो हो जाएगा। क्लियर है, तो यही चीज आपको यहां पे रखना है। तो अभी हम लोग क्या मान रहे हैं, केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है, हम यहां क्या कर रहे हैं कि x कैलकुलेट करेंगे और y को कांस्टेंट मानेंगे। तो देखिए उसको लिखा कैसे जा सकता है, उसको लिखा है पार्शियल डेरिवेशन ऐसे होता है, ऐसे अपॉन डेल एक्स, इसको भी वैसे ही बोलते हैं, डेल वी अपॉन डेल एक्स ही बोलते हैं इसमें। तो कैसे पता चलेगा कि सर किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो यहां जो चीज लिखा गया उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, बाद बाकी मेरे लिए सब क्या है, कांस्टेंट है, बाद बाकी आपके लिए क्या है, कांस्टेंट है। तो आप जैसे यहां पे पढ़े हैं ई इजिकल्स टू डी वी बाई डी एक्स, उसी तरीके से हर चीज में होगा कि डेल वी बाई डेल एक्स इजिकल्स टू माइनस ऑफ ई, ठीक। तो ये कहां का निकल जाएगा, ई एक्स निकल जाएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई इजिकल्स टू माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, ई वाई, ठीक। और यहां से हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल जेड इजिकल्स टू माइनस ऑफ ई जेड हो जाएगा। क्लियर है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना। जब आप x के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहा हो तो बाद बाकी ये दोनों कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये दोनों कांस्टेंट, z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये दोनों कांस्टेंट। तो हम लोग क्या करना है, यहां से ये चीज हो गया, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल्स हम लोग क्या लिख सकते, देखिए ध्यान से हम लिख देते हैं, सबसे पहले इसको इजी को अगर यहां पे लिख देते क्या ऐसा नहीं लिखा जा सकता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी हम लोग आएंगे इस पे, और इस पे हम इसलिए स्लो है क्योंकि आप ध्यान से देखिए इस चीज को। अब हमको क्या करना है कि देखिए ये जो टर्म है, ये जो टर्म है इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है, y है क्या, नहीं है, हम लोग वो भी देखेंगे जब आएगा टर्म। तो इसका अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करें तो आप डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, कि अगर कांस्टेंट है तो लिख दिया कांस्टेंट यहां पे, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो इसी को इसका पार्शियल डेरिवेशन निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हम अभी फिक्स कर चुके हैं अपना एक्स कोऑर्डिनेट के, एक्स पर डिपेंड कर रहा, बाद बाकी सब मेरे लिए क्या, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो यही काम करना है, और एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंसिएशन है उसको यहां पे लिख दीजिए, जो होता है वही लिखना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये बस सिर्फ इसलिए इतना किया जाता है ना ताकि आपको पता, इसमें मतलब अलग अलग कैलकुलेट कर सके। क्लियर है, हो गया, क्लियर। माइनस, जब हम इस चीज को कैलकुलेट कर रहा है तो हम लोगों ने क्या सपोज किया है कि एक्स के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, बाद बाकी सब हमारे लिए कॉन्स्टेंट है, तो पूरा का पूरा टर्म हमारे पास ये चीज क्या है, कॉन्स्टेंट।
आपको पता होगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो। अच्छा, जिसको ये भी नहीं पता हम बता देते हैं, y इज इक्वल्स टू अगर x का पावर कुछ भी हो n, तो dy वाई बाई डी एक्स जो हम लोग लिखते हैं, ठीक, वो क्या लिख देंगे, nx टू द पावर n माइनस वन, या डेल y बाई डेल x भी अगर लिखेंगे तो ये भी उतना ही लिख देंगे, nx टू द पावर n माइनस वन। क्लियर, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहां पर हम लोग कितना लिख देंगे, जीरो। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए a तो कांस्टेंट है और वाई स्क्वायर को हम कांस्टेंट मान चुके हैं, वाई स्क्वायर को क्या मान चुके हैं, हम कांस्टेंट मान चुके हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास, जीरो हो गया। मतलब हमारे पास जो आया ये किधर आएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एक्स, ई एक्स हमारे पास कितना आ गया, टू ए एक्स आ गया, ई एक्स कितना आ गया हमारे पास, टू ए एक्स आ गया, ये देख लीजिए ध्यान से, क्लियर है, ये कितना आ गया, टू ए एक्स आ गया, हो गया, ये चीज कैलकुलेट हो गया। अच्छा, इसमें माइनस साइन था, यहाँ पे माइनस यहाँ पे लगा दीजिए एक, ठीक है, माइनस ऑफ, हाँ ठीक है, माइनस ऑफ ये टर्म आ गया, ई एक्स आ गया हमारे पास इतना। फिर हम लोग को क्या करना है, ई वाई निकालना है। देखिए ध्यान से, ई वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, वाई, एक माइनस साइन यहाँ पे लगा दीजिए, इज इक्वल्स टू। अब आते हैं हम लोग इस टर्म पे, क्या इसमें वाई है, नहीं है, तो y जब कैलकुलेट करेंगे तो इसमें तो y है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा इसका, जीरो, यहां पुट कर दीजिए जीरो, माइनस यहां पर क्या है, ए स्क्वायर, तो ए वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टू वाई, क्लियर है, टू माइनस वन वन हो जाएगा, तो आपके पास e इन y कितना आ गया, देखिए ध्यान से, माइनस टू ए वाई, माइनस टू ए वाई हो गया, क्लियर है। अब इस चीज को पूछा है कि हमको पूरा वेक्टर फॉर्म में बताइए, तो हमको ये x कंपोनेंट मिल गया उस फील्ड का, y कंपोनेंट मिल गया उस फील्ड का, तो अगर हम लोग लिखें यहाँ से E इज इक्वल्स टू, जो E नेट होगा उसको कैसे लिखा जा सकता है, ठीक, तो सॉरी, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, वेक्टर फॉर्म में। ई एक्स कितना है हमारे पास, देखिए माइनस टू ए वाई, माइनस टू ए वाई आई कैप प्लस, ठीक है, ई ए कितना आ गया, सॉरी, ये हमारे पास माइनस टू ए एक्स है, और वो कितना हो जाएगा, माइनस टू ए वाई, क्या आ गया, जे कैप, देख लीजिए, ठीक है, रिजल्ट भी आपका यही है, क्या चाहिए, माइनस टू ए एक्स आई कैप, माइनस टू ए वाई जे कैप, यही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये क्या हो गया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, बस यही चीज है आपको दिमाग में रखना, इसको आप नोट करिए, हम लोग जो अभी अभी इस पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ओके ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है इस टाइप का, दूसरा, भी इजिकल्स टू क्या लिखा गया, भी इजिकल्स टू लिखा गया है जो रिलेशन आपके पास, ए एक्स वाई, ए एक्स वाई, एकदम सही, ठीक है, देखिए क्या स्टेप, कुछ नहीं करना है, पहला एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, अब किसी को वाई पहले कैलकुलेट करना है तो कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इजिकल्स टू, और इसमें एक माइनस साइन भी लगा दीजिए आप, क्योंकि यही का यही हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखिए ध्यान से, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक, द रिमेनिंग ऑल सिंबल्स आर कांस्टेंट, इसको छोड़ के बाद बाकी सारा का सारा चीज आपका क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, तो क्या होगा हमारे पास, ए वाई सब कांस्टेंट होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स है और एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, वन, कितना हो जाएगा आपके पास, वन हो जाएगा, क्लियर है, कितना हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, तो यहां से अगर हम लोग लिखे, ठीक, तो ई इन एक्स कितना लिख देंगे हमारे पास, तो माइन, सॉरी इसमें माइनस साइन आ जाएगा यहां भी, ठीक है, या यहां पे नहीं आएगा माइनस साइन, ये तो डायरेक्ट हमारे पास ये है, ये पूरा टर्म हम लोग क्या कैलकुलेट किए हैं, ये वाला केस, ये पूरा टर्म है हमारे पास ए वाई, तो हमारे पास ई इन एक्स कितना जाएगा, माइनस ए वाई, फिर हमको क्या, यहाँ भी x लगा दीजिए, अब e इन y निकालना आपको, तो आप तो बना सकते हैं ऐसा अपन y, यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस ए एक्स, अब हमारे लिए कांस्टेंट है, y का तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना लिख देंगे y, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, e इन y आ गया, तो कितना हो गया, देखिए ध्यान से, ये हम लोग कितना लिख सकते हैं, माइनस ए एक्स, तो e नेट जो होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, फाइनली E net इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, माइनस एक्स वाला कितना है, ए वाई
आई कैप और प्लस ठीक है माइनस ए एक्स जे कैप इस तरीके से, या इसी को अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा और लिखना हो तो माइनस ए दोनों में है तो माइनस ए को कॉमन ले लीजिए ठीक है और वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। देखिए आई कैप के साथ वाई आ गया और जे कैप के साथ एक्स आ गया ठीक है। तो इसके लिए कोई बहुत दिमाग में ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज नहीं होना है कि हाँ ऐसा क्यों आ गया ऐसा क्यों नहीं आ गया ठीक है। तो इस चीज़ से है जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम आपको दो तीन क्वेश्चन देते हैं ठीक, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम सोच रहे हैं इस पर एक क्वेश्चन हम आपको पहले और बताएं ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक्चुअली में जनरल फॉर्मेट ही बता देते हैं। आप हो सके तो अगर आपके लिए टाइम अगर ज़्यादा हो रहा हो तो आप क्या कम करेंगे कि पॉज कर देंगे या फिर आप दूसरे दिन, लेकिन क्वेश्चन छोड़िएगा मत, ये एक रिक्वेस्ट है आपके लिए, क्योंकि ये सब टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, होता बहुत ईजी है, दो मार्क्स में पूछ देता है और एक्चुअली बहुत नहीं पूछता है, इसलिए जो है ये स्किप करना पड़ता है बच्चों को या छोड़ देना पड़ता है। तो ज़्यादा इसमें क्या करना है आपको कन्फ्यूज नहीं होना और इसको बनाना है। आप हो सकता है तो ठीक है एक दिन में मत देखिएगा पूरा लेक्चर ठीक, लेकिन आप इसको बाद में भी जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं, इसी को पहले जनरलाइज कर देते हैं कि वी इक्वल्स टू क्या है लिखा हुआ, ए एक्स टू द पावर एम और वाई टू द पावर एन ऐसे लिखा हुआ है, तब कैसे बनाएंगे। तो कुछ नहीं करना, देखिए ध्यान से यहाँ लिखते हैं ई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पार्शियल डेरिवेशन ऑफ वी अपॉन एक्स ठीक इज इक्वल्स टू, देखिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a और x टू द पावर m ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट है और y टू द पावर n का कितना हो जाएगा, तो y टू द पावर n का हो जाएगा n और y टू द पावर n माइनस वन, पहले तो देख लेते हैं हाँ ठीक है n y टू द पावर n माइनस वन ये क्या निकल गया ई एक्स निकल गया। इसी तरीके से ई वाई अगर हम लोग निकालें तो माइनस ऑफ ये अपॉन a इज इक्वल्स टू, तो y जब करेंगे तो a एक्स टू द पावर क्या m ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, क्या हो जाएगा ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट और ये वाला को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सॉरी इसमें क्या है देखिए ध्यान से, x के रिस्पेक्ट में करना है तो ये a और y टू द पावर n ना कांस्टेंट होगा और इसको करेंगे कितना हो जाएगा m x टू द पावर m माइनस वन। उसी तरीके से e इन y कर दें तो माइनस ऑफ अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, तो कितना y के रिस्पेक्ट में तो x वाला कांस्टेंट तो a या x टू द पावर कितना m कांस्टेंट हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं n और y टू द पावर n माइनस वन, देखिए ध्यान से ये हो जाएगा रिजल्ट। तो e नेट अगर हम लोग लिखना चाहिए यहाँ से तो क्या लिख सकते हैं देखिए ध्यान से, तो x वाला क्या ऊपर है तो लिख दीजिए यहाँ से ए वाई टू द पावर एन एम एक्स टू द पावर एम माइनस वन आई कैप प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से ए एक्स टू द पावर एम एन वाई टू द पावर एन माइनस वन जे कैप। क्लियर है, सम में एक माइनस एन लगा होगा क्योंकि सम में है, यहाँ पे एक माइनस एन यहाँ भी लगा दीजिए और यहाँ पे एक माइनस एन लगा दीजिए, ये आपके पास क्या चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा वो पोटेंशियल का ही होगा एक्चुअली में, टॉपिक सिक्वेंस देखिएगा आप तो आपको फील्ड आपका ये आज यहाँ पे ख़त्म होता है। इससे पोटेंशियल का बस एक छोटा सा स्फेयर के केस में बस रोल बचा हुआ है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जो आपका होगा, हम बता देते हैं आपको पहले नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लक्स। तो फ्लक्स जो हम लोग एक क्लास में ख़त्म करेंगे जो बेसिक बात है उसका ठीक है, फ्लक्स का फ्लक्स सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक क्लास नहीं दो क्लास में, दो क्लास में क्या करेंगे हम लोग फ्लक्स में, हम आपको इस चीज़ का मतलब एश्योर करते हैं इस बात के लिए कि फ्लक्स दो क्लास में ठीक, जो 45 मिनट्स या 50 मिनट्स का क्लास होगा, दो क्लास में बेसिक्स से लेके और पूरे बोर्ड लेवल तक या जितना भी ढंग का क्वेश्चन पूछा गया सारे क्वेश्चंस प्लस में थ्योरी, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, और वो आपके स्टेप्स को बहुत ज़्यादा ईजी करता है, दो क्लास हम लोग कैलकुलेट करेंगे ठीक है। और उसी में एक थर्ड क्लास हम लोग ऐड करेंगे जिसमें हम लोग स्पेशली क्या कैलकुलेट कर लेंगे ठीक, तो पोटेंशियल का कैलकुलेशन ठीक है, जैसे आप उसको कैलकुलेट करते हैं और ये फ्लक्स, फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।